जो ये सरकार है मोदी सरकार बीजेपी सरकार सही है। हमारे तट पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा। सही। और बढ़िया कार्य करके दिखा रही है। मोदी जी में वो ताकत है जो आज तक प्रधानमंत्री और भी बने थे देश के, उन्होंने जो चोरी हो रही है होने दो, माल लुट रहा है लुटने दो, जो काम हो रहा है होने दो, भैरे गूंगे बन के राजनीति कर ली योगी। और जब से मोदी आए ये राजा आए दोनों, जो टॉपर से टॉपर माल छीनना चाहता था वो अब कान में पहले तो सींक देता है, खुजाता है कि बिल्डोजर रहे इस समय बाबा यूपी में। बात को तो भाई समस्या तो यही तो है, क्यों ऐसा हो रहा? मैं भाई यही तो बता रहा हूँ, ये मोबाइल किसका? मेरा है, ये चीज मेरी है, आईडी मेरी है। इसे छीनने के बाद कोई इसका प्रयोग करे तो, और आप किसी के पास मिले तो अपराधी तो मुझे घोषित कर देंगे ना, ये आईडी मेरी चल रही है। जो मोदी जी ने जो कार्य करे हैं वो टॉप करे हैं। पूछो कैसे टॉप करे हैं? इससे पहले सरकार थी वही तो पुलिस वाले होते थे, वही पटवारी होते थे, वही अधिकारी होते थे, और जमीन हड़प जाती थी, धमकी दे के शेर कब्जा कर लेते थे। जब से योगी जी और मोदी आए हैं तो सोचते हैं मैं अपराध करूं या ना करूं। तो ये सन 2024 में जैसे कह रहे हैं गठबंधन कर लो, मेरी जो वोट है गठबंधन में बल दो ना, मेरी एकता कर लो ना तुम सब। मैं क्यों दूं भाई, मेरी वोट है, मैं अपनी वोट का मालिक हूँ, मेरी एक वोट 1 करोड़ की है, मैं इसकी अहमियत समझता हूँ ना, मैं किसी के बहकाए में नहीं आऊँगा। ठीक है, मेरा मन है ना, मैं कहाँ वोट दूंगा, किसको दूंगा। मैं मोदी जी ने कार्य अच्छे करके दिखाए ना, तो मेरी एक वोट केवल। आप कह रहे हैं मोदी जी अच्छे काम करके दिखाए, मोदी जी अच्छे काम करके दिखाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। सरकार बदलेगी जब ही देश बदलेगा। इस बार 24 में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है, करप्शन भी है और बेरोजगारी भी। करप्शन ये है कि करप्शन करके तुम आ जाओ बीजेपी में, जो करप्शन करेगा वो या तो जेल जाएगा नहीं तो बीजेपी में जाएगा। 5 रीजन बताओ क्यों बदला जाए। 3 रीजन तो मेन बड़े मुद्दे तो ये है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। बस कहाँ क्यों नहीं बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बेरोजगारी है। आपके पास आपके जेब में कितने मोबाइल है बताइए? आपके जेब में कितने मोबाइल है? 25-30 लाख चला रहे हो, कहाँ बेरोजगारी है बताइए मुझे? महंगाई नहीं है भाई, महंगाई। एक मिनट भाई साहब, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। एक मिनट, सिलेंडर है। अरे सुन तो लो यार, अरे लड़ते हो यार, लड़ो मत। सिलेंडर महंगा बोलते हैं? हम महंगा नहीं मानते सिलेंडर को। क्या नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? 400 का मिलता था 1200, क्या हो गया जब हम अरे सुनो, नंबर में लगने पड़ता था भाई, एक हफ्ते नंबर में लगने पड़ता था। अरे सुनो यार, क्या नहीं भाई, 1200 दो तुम्हें 1 घंटे में मिलेगा। यार ये लड़ते 1000 है, अब तुम 1200 दो ना 1 घंटे में मिलेगा तुम्हें। एक दिन महंगा नहीं है, अरे सुन लो यार, सिलेंडर महंगा नहीं है। कैसे नहीं महंगा बताओ तो? सिलेंडर महंगा नहीं है। जब हमें 300 रुपए में रोज झाड़ी मिलती थी, आज हमें 1000 रुपए झाड़ी मिल रही है। 500 घर के खर्चे में डाल देंगे हम, और 500 फिर भी बचा रहे हैं तो कम महंगाई है। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। 20,000 आज कितना कमा रहे हो? 20,000 रुपए है महंगाई। कौन से सन की बात कर रहे हो आप? कौन से 14 की सन की बात? हर साल कहीं भी कोई जॉब कर रहा है, 10% 12% सैलरी बढ़ती है। ये सरकार में महंगाई है। बताओ आपके चिल्लाने से क्या होगा, आपके बताने से क्या होगा? प्रूफ दीजिए। सीधी काम करने के लिए ये सरकार बाहर भेज रही है इसराइल लोगों को काम करने के लिए, उनके जान को खतरे में डाल रही है, जानबूझ के बाहर भेज देती है। सुनिए एक मिनट भाई साहब सुनिए, अरे एक मिनट मोदी जी का काम ये रोजगार के लायक नहीं, ये रोजगार के लायक नहीं है, काम है नहीं तो वो रोजगार है उसको काम। अरे भाई लाओ ना, एक एक करके बात करो यार, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। वो काम करने के लायक नहीं है तो मोदी जी ने ऐसे ही बिना काम के। अब आपका सवाल, पहले आप कलेक्टर थे, ये पब्लिक कलेक्टर थी, सारे प्रधानमंत्री थे, ये क्या थे सारे एसपी डीएमओ क्या थे, ये रिटायर हो गए 2014 पास। यहाँ दो ना उनको, विदेश क्यों भेजे हो काम करने के लिए? विदेश नहीं जाते थे, जनसंख्या देखो, इसीलिए तो उनको बदला था। अब जो रोजगार देगा उनको लाएंगे। सुनो पहले भी नहीं करे इसलिए
चाहिए उनको बदला। पढ़े लिखे हो, जो नहीं पढ़े लिखे इन्होंने क्या किया है, कुछ नॉलेज रखते हो, पढ़े लिखे हो तो उठाओ डाटा। और 2000 सुनो 2014 आटा आपके नहीं होगा, आपके घर पे नहीं होता, आपके नहीं होगा, यहाँ आटा की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, अपने घर पे भी बना लेंगे दे रहे हैं डाटा। तो हिंदुस्तान जानते हो कितने देश को आटा खिला रहा है, हिंदुस्तान कितने देश, कितने बाहर जा रहा है हिंदुस्तान से आटा, और तुम यहाँ हिंदुस्तान हमारे घर में यार आटा नहीं है, हिंदुस्तान का आदमी बाहर नहीं जाएगा, चावल की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, खाने की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, जा खा रहा है, जा खा रहा है, जा खा रहा है, पूरी दुनिया पेट में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, जा खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई खा रहा है, भूखे मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, यही प्रॉब्लम है भैया। बीजेपी से कोई सवाल पूछ लो, बीजेपी के बीजेपी से कोई सवाल, एक काम एक घंटा हमारा इनके डिबर एक भी जवाब दे दोगे ना, बीजेपी से कुछ सवाल पूछ लो, अरे पूछो मैं बताने के लिए खड़ा हूँ भाई साहब, महंगाई बेरोजगारी पे जवाब दे दो मान जाएंगे, भ्रष्टाचार छोड़ो छोड़ो, पहले ये बताओ और बेरोजगारी, एक बात सुनिए, एक बात का जवाब दीजिए, एक 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 सवाल इनसे मेरे, नहीं सुनोगे, एक मिनट भैया, एक मिनट, 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 मैं जोड़ता हूँ भैया, सुनो एक मिनट, अरे शांत रहो यार, देखो भैया शांत रहो, भैया हेलो, एक मिनट, अरे अंकल, अरे अंकल चुप चुप चुप, अरे अंकल अरे सुनो यार, अच्छा मतलब सच्चाई बोल दी तो जाओ, बदल दो ना, दो महीने का चांस है, 19 तारीख से उठो, पहले बीजेपी आई है राजस्थान में, अभी दो दो एक दो सीट मत गिनाओ चूरू की उनकी, राजस्थान एक दो एक नहीं बदल पाए, अभी चार महीना पहले कांग्रेस हारी है राजस्थान, एक भी नहीं बनेगी राजस्थान में, इसके पहले क्यों बनेगा, 2019 में कितनी सीट थी राजस्थान में, ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में पिछली बार कितनी सीटें थी 2019 में, 25 सीटें थी, हमने वोट दिया था मोदी जी को कि रोजगार देंगे, अरे सुन लो ना यार, बीच संबित पात्र की जैसे बीच में उंगली, सुनो 25 सीटें हमने दी, इस बार ना कोई मतलब कि करप्शन इतना कर दिया है और कोई मतलब, अरे भाई सुन ले भाई, बजट सेंटर से बजट आता है, सेंटर से जो बजट आया, अरे यार क्या बात कर रहे हैं, चार महीना मोदी वहाँ सब चला रहा था, केंद्र शासित देश, अगर तुम अरे यार ये तो करो, मैं तो बात करो, कांग्रेस में बीजेपी की सरकार बनने से पहले राजस्थान में कांग्रेस की ही तो सरकार थी, आप कहना क्या चाहते हो, ये हम ये चाहते हैं जब से बीजेपी आई, अभी जैसे ही बीजेपी आई, ठीक है मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, मुख्यमंत्री जब बना हमारा अशोक गहलोत था, जैसे ही बीजेपी आई राजस्थान में फ्री दवाएं मिलती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीबों को, बंद कर दी, क्यों कर दी भाई, ये मैन मतलब हमारा तो मेन चीज यही है, रोजगार और महंगाई, 800 अभी पहले 400 का मिलता सिलेंडर 1200 को हो गया था, फिर उसी बात पे गए, बार बार वही बात सब कह रहे हैं, कितनी मिलती थी जवाब देके जाओ, कांग्रेस चार महीने पहले कितने सिलेंडर मिलते थे, बीजेपी आया कितने कर दिया, ये भी तो बता दो भाई, महंगा हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सेंट्रल दोनों का टैक्स होता है, सेंट्रल राज का दोनों टैक्स होता है, दोनों टैक्स होता है, दोनों टैक्स होता है, ये नहीं सेंट्रल गैस ले रहे राज का घटवा देते, बहुत बढ़िया घटवा देते, जब कांग्रेस सरकार थी हर बीजेपी प्रदेश से ज्यादा, सुनो सुनो हम अभी ये बता रहे बीजेपी का, हमने किसी गवर्नमेंट का वो नहीं किया, मैं भी नहीं ये कर रहा हूँ, ये बताए मोदी जी क्यों आएंगे, ये पूछो क्यों आना चाहिए, तो राहुल क्यों आएंगे, मोदी जी का सिस्टम है वो तो आएगा ही, सिस्टम कुछ नहीं है, वोटिंग वोटिंग खराब कर लो चाहे कुछ खराब कर लो, वो तो आके ही रहेगा।